पहले हिंदुस्तान को बिकने से तो बचा लीजिए। बंगाल में सिर्फ टीएमसी चल रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा। आधा देश तो बेच ही दिया, अब उसका बंगाल को भी बेचेगा यहाँ आके, क्या करेगा? बंगाल में दीदी ही जीतेगी। दीदी मेरा देश नहीं बेच रहा, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री जरूर देश बेच रहा। मोदी सरकार को इधर से हटाना चाहिए। 10 लाख का सूट पहनना और बाहर में घूरना और कुछ काम धंधा है नहीं है। तो दीदी बोलता ना, खेला होवे निश्चय खेला होवे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारी चुनाव यात्रा लगातार जारी है, बंगाल यात्रा पर है, बंगाल में चुनाव है और इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये रफ़ी अहमद कदवाई रोड है और हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है द मुस्लिम इंस्टीट्यूट। आज से 120 साल पहले ये बिल्डिंग कायम हुई थी। इस इंस्टीट्यूट को कायम करने का मकसद मुसलमानों के दानिश्वरान को इकट्ठा करना, मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना था। हम जिस जगह पर खड़े हैं इससे बगल में आलिया यूनिवर्सिटी है जो बंगाल में मुसलमानों की मशहूर तालीम गाह है। हमारे सामने भी एक इमारत है और हाजी मोहसिन उस्मान नाम के शख्स थे जिन्होंने करोड़ों एकड़ ज़मीन हदिया कर दी थी, वक्फ कर दी थी ताकि मुस्लिम इदारे कायम हो सके। आज की तारीख में इन मुस्लिम इदारों की कोई अच्छी हैसियत नहीं रह गई है। जो आलिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी भी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। बहरहाल इस वक्त हम चुनाव पर बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से। बंगाल में चुनाव जारी है और सहरुखी लड़ाई कही जा रही है। एक तरफ टीएमसी जो पिछले 10 सालों से सत्ता में है, क्या वो तीसरी मर्तबा सरकार बना पाएगी? दूसरी तरफ बीजेपी भी यहाँ खेल खेलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का दावा है कि हम सरकार बना सकते हैं। तीसरी तरफ लेफ्ट, कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी का एक अलायंस है, उसकी तरफ भी कुछ लोगों का रुझान है। यहाँ के लोगों का क्या रुझान है वो जानना चाहते हैं। यहाँ पर चचा मौजूद है, सबसे पहले इनसे शुरू करते हैं। चचा, क्या हो रहा है आपके यहाँ? ये तो वोट का सब तो मीटिंग हो रहा है। हाँ, आप लोग किसके साथ हैं इस मरतबा? हम लोग तो दीदी के साथ में हैं। दीदी के साथ में है? अब्बास सिद्दीकी के भी साथ में नहीं है? कांग्रेस के, लेफ्ट के? क्या है, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ हो रहा है या दीदी का सब साइड में, यहाँ पर ही पूरा जो यहाँ से पूरा उतना दूर तक पूरा दीदी का है, माने पूरा इलाका है, तो बंगाल में दीदी ही जीतेगी। दीदी जीतेगी। अभी जो है ना, इधर मोदी सरकार को बंगाल में नहीं आना देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार को इधर से हटाना चाहिए, देश से भी हटाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए मोदी सरकार को, नहीं रहना चाहिए इधर। क्या करते हैं आप? हम रिश्ता चलाते हैं, गरीब आदमी। इधर रिश्ता वाला को बहुत थोड़ा ये हो रहा है, इधर लॉकडाउन दे रहा है। इधर आइए, हम लोग यहाँ पर आइए जी। इधर भी लॉकडाउन दे रहा है, मोदी सरकार बोल रहे हैं जो कुछ सहायता करेगा, लेकिन कुछ नहीं कर रहे गरीब आदमी को लिए। लॉकडाउन में कुछ मदद मिली आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। दीदी की तरफ से कुछ? दीदी के तरफ से थोड़ा मिला, इधर एक तो होटल दिया इधर खाने के लिए, खाने के लिए गरीब आदमी का। हाँ, कई रुपए में खाना मिल जाएगा? पैसा नहीं लेता है, फ्री में पूरा खाना। अरे वाह, इधर क्या है? क्या दीदी की तरफ से क्या मिला लॉकडाउन में? दीदी की तरफ से बहुत कुछ मिला, बहुत फायदा है और दीदी जीतेगी। दीदी जीतेगी जी, दीदी जीतेगी, ममता दीदी। लेफ्ट कांग्रेस वाले भी है यहाँ, तो उन लोग के बारे में क्या है? उनको वोट नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, दीदी जीतेगी। मुसलमानों के लिए दीदी ने कुछ किया है? बहुत कुछ किया है। क्या है, कुछ बताइए। ज्यादा करके खास करके तो वो गरीब लोग पर ज्यादा रहम कर, गरीब लोगों पर रहम किया ज्यादा करके, गरीब लोग और बच्चों की पढ़ाई को लेकर सब कुछ के लिए दीदी आगे हर चीज। क्या करते हो बच्चे तुम? हम क्लास 8 में पढ़ते हैं। क्लास 8 में? अलाइज हायर सेकेंडरी स्कूल में। क्या क्या सब्जेक्ट है? ऑल सब्जेक्ट है। कुछ बोल सकती हो? तुमको पता चले कि तुम उम्मीदवार हो चुनाव में, जनता है, तो कैसे वो एड्रेस करोगी, कैसे वोट मांगना है? ममता से वोट मांगेंगे। ममता तो वोट मांग रही है, तुम ममता से वोट मांगोगी? ममता को करेंगे वोट देने के लिए। हाँ, चल इधर आजी, जाम मत लगाइए जी। क्या चल रहा है भाई बंगाल में? बस बंगाल में सिर्फ टीएमसी चल रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा। और लेफ्ट कांग्रेस का? नहीं, कुछ नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ टीएमसी। क्या नाम हो आपका? इजाज़ खान। क्या करते हैं आप? हमारा वो लेदर का कुछ, लेदर का है। ये जो एरिया है रफ़ी अहमद कदवाई, पूरा मुस्लिम एरिया लग रहा है दुकानों को देखो करके जी। तो यहाँ का इतिहास क्या रहा? पहले कौन लोग मिले थे? पहले कांग्रेस थे, उससे पहले CPM था, उसके बाद कांग्रेस थोड़ा बहुत हुई, अब TMC है। TMC से सुब्रता मुखर्जी है जी। हाँ, और लेफ्ट से रफ़ी, क्या नाम है, फराद हकीम का क्या है उनका कुछ काम काज? किनका? फराद हकीम का बहुत अच्छा काम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका कोई दो राय नहीं है, एक राय है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वोट उनको नहीं जाएगा? फराद हकीम को 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तो TMC के उम्मीदवार को फिर? फराद हकीम किस में है?
फवाद हकीम, तो फवाद हकीम का बात नहीं कर रहे हम, तो फराद हकीम का। ओके, वो तो है बेचारा दूसरी जगह से है ना। तो भाई और लोगों से जानते थे कि हाँ फल फ्रूट्स की अच्छी खासी दुकान है, देखिए बड़ा अच्छा प्यारा फल फ्रूट आप देख सकते हैं लग रहा है यहाँ पर। क्या है बंगाल जीत के तो बंगाल बेचेगा भैया, वो सोनार बंगला बनाएंगे। हाँ सोनार पहले हिंदुस्तान को बिकने से तो बचा लीजिए, आधा देश तो बेच ही दिया, अब उसका बंगाल को भी बेचेगा यहाँ आके क्या करेगा? अरे भैया करेगा क्या, यहाँ आके देश बेचेगा, बंगाल बचा हुआ उसको भी बेच देगा और क्या करेगा, इसके अलावा और कुछ काम तो है नहीं। 10 लाख का सूट पहनना और बाहर में घूरना और कुछ काम धंधा है नहीं है, और देश बेचना इसके अलावा और कोई काम नहीं सीखे वो। ये बताइए, आइए आइए और बोलिए, आप जितना दिल में आप बोलिए, पूरा टाइम है आपके पास। बोल के क्या फायदा, वो आदमी को तो ना शर्म है ना हया, तो उसके बारे में बोल के फायदा क्या भैया मेरा? एक आदमी को होता है शर्म, अब उसको शर्म ही नहीं है तो उसके बारे में बयान करके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। उसका काम बस सिर्फ इतना है कपड़ा पहनना, देश को बेचना और कुछ नहीं है। गरीब जो बैठा हुआ अभी दिल्ली में इतना, उसका बारे में कुछ सोचने का नहीं। कोरोना सब जगह, इलेक्शन के टाइम में लाखों आदमी को लेके जब निकलेंगे तो कोरोना चले जाता है, अजब पॉलिसी है गवर्नमेंट का, क्या कीजिए। दीदी से उम्मीद है, दीदी ने काम किया, बहुत उम्मीद है। दीदी जब तलक है हम लोग हैं, दीदी मेरा देश नहीं बेच रहा लेकिन मेरा प्रधानमंत्री जरूर देश बेच रहा। दीदी देश नहीं बेच रही, प्रधानमंत्री देश बेच रहा है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या है चची, सब खराब है, सब खराब कर दिया। दीदी ने कुछ काम किया आप लोगों के लिए? नहीं हम लोग, दीदी तो हम लोग लेकर तो चल रहा, हम लोग जिंदा, अभी दीदी का वजह से हम लोग जिंदा, भूखा थे अल्लाह ताला की वजह से जिंदा, दीदी की वजह से जिंदा रहेंगे। हाँ ठीक है, मगर दीदी जो किया अच्छा किया, चीफ मिनिस्टर है, पहले भी लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं। नहीं अब अभी जो मोदी आया ना, हम लोग तबा बर्बाद कर दे रहे, मोदी की वजह से। हाँ मोदी की वजह से, मतलब चाह रहे बंगाल में मोदी ना आए? नहीं नहीं हम लोग नहीं चाहता, नहीं चाहते, नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाह रहे कि कोई मोदी आए यहाँ, हम लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते नहीं। जो हम लोग चचा से बात करते हैं, क्या हाल है चचा? हाँ बोलिए। हम लोग यहाँ पर आप पूछ रहे थे अभी मोदी जीतेगा कि नहीं, तो मोदी कैसा जीतेगा? आज से 4 साल पहले आपका ये दिलीप घोष बोला था, हमी अच्छी हम ये मिसिल बाहर को चाहिए, रोहता बाहर को चाहिए, तो हमारा अच्छी ज़्यादा हम अदर ज़्यादा इलाका से पारे ना हो आस्ते एखाना आस्ते पारे ना और एखान दी वोट पावे ना, कहें वो राम नामे वोट जीचे, वो मैंने को धर्म धर्म नामे राम वोट जीचे, वो तो मैंने एक जो वोट जीत लोक भलो कत भलो क्या कि कर तो खाली देश के एदिक थे ओदिक बेचा यार नाम पाल्टा वोटार नाम एक फल नाम लेके से दिन इसे धमतला पड़े कि ड्रैगन के ड्रैगन ना बोले थोड़ा हिंदी में बोलिएगा नहीं वो एक फल का नाम बदलने बोला, बोलिए ताजमहल का बदलने मांग रहा, कोई दिन कोई दिन हावड़ा ब्रिज का भी नाम बदल दिया, कोई ठीक है सेब का भी नाम बदल दे वो कोई ठीक नहीं है उसका, अरे उसका कोई भरोसा नहीं है, वो ऐसा जात है जो देखिए दुनिया में कुछ बनाया नहीं, कांग्रेस बनाया, कांग्रेस बनाया, CPM भी 25 साल 30 साल जो भी ज्योति बहुधा बनाया, पर वो कुछ बनाया नहीं, मगर हाँ देश का नाम बदलना। जो बताइए अभी बंगाल में ना कुछ मुसलमान लीडर सब भी आए हैं, एक अब्बास सिद्दीकी ने पार्टी बनाई है, वैसी साहब भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इन लोगों का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? हम लोग देखिए हम लोग दीदी का सपोर्ट में जाएंगे, इन लोगों के सपोर्ट में नहीं जाएंगे, बस और कोई कर नहीं है। देखिए जो कांग्रेस है CPM है जो मिली जुली सरकार इसमें जितनी और हमारा ममता दीदी मिल जाता तो वाक्य में खेल होगा, जो दीदी बोलता है ना खेला होवे निश्चय ही खेला होवे दीदी बोल जे। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें, हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।